हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज मैं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 फिर से जो है बेसिक से मैं आपको सामने लेके आया हूं, और इस पर थोड़ा सा हम तेज तेज चलेंगे क्योंकि जेई का एग्जाम भी पास है, नीट का एग्जाम मई में पड़ेगा, लेकिन हालांकि 7 मई को नीट का एग्जाम है और बीच में बोर्ड का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, तो उस बेसिस पे जो है ना थोड़ा सा तेज तेज हम कुछ क्रैश कोर्स टाइप के हम बात करेंगे। इससे पहले जो है मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन के सारे कन्वर्जन में बता चुका हूं, हाउ टू कन्वर्ट समथिंग इनटू समथिंग, ठीक है, चाहे अल्कोहल फिनॉल हो, इथर हो, चाहे एमीन हो, इसके सारे कन्वर्जन में आपको बता चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के, मतलब मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है उसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मतलब जैसे अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, समझ रहे हो ना, तो इनको हम कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको बात करूंगा, चार्ट के थ्रू मैं आपके सामने रिएक्शन लेके आया हूं, ठीक है। अब सबसे पहले आप बना सकते हैं अल्कोहल से। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अल्कोहल रिएक्ट करेगा HCl के साथ, अल्कोहल अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH तो एल्कीन बनाता है, ठीक है, या अल्कोहल के रिएक्शन SOCl टू डार्जन रिएक्शन, अल्कोहल के रिएक्शन कर दो आप PCl5 के साथ, अल्कोहल के रिएक्शन कर दो आप SOCl टू डार्जन रिएक्शन, ये तो दोबारा आ गया, अल्कोहल के रिएक्शन कर दो PI3 के साथ या PCl3 के साथ, ठीक है। तो ये इसके प्रिपरेशन होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेरे पास अल्कोहल है 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन जो है मैंने आपके बोर्ड के सामने लिखी हुई है, ठीक है। पहला कोई ल्यूकास रिएजेंट मेरे पास, ये HCl है, अल्कोहल के रिएक्शन HCl के साथ कर दो, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड, क्या मिलेगा आपको, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है जब जब हम अल्कोहल के रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अगला रिएक्शन HBr के रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr एज H2SO4, तब भी OH जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा और OH की जगह आ जाएगा Br, तो ये बच जाएगा अल्काइल हैलाइड। समझ में आया नहीं आया, ऐसे ही देखो मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं, है नहीं, इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा आपको कितने रिएक्शन आते हैं कितने नहीं आते हैं। ऐसे HI के साथ या KIS3PO4 डाल दो अल्कोहल में तो आपका अल्काइल हैलाइड यहां से भी बन सकता है। और आप इस फेमस रिएक्शन को तो जानते हैं, जब भी हम अल्कोहल के रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड, ये देखो अल्काइल हैलाइड बन गया। ऐसे ही अल्कोहल के रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो CH3CH2Cl बनेगा, साथ में POCl3 प्लस HCl बाहर निकलता है, ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे PCl3 है, PCl3 में भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ में H3PO3 बाहर निकलता है। ऐसे PBr3 है, PBr3 में क्या होगा, CH3CH2Br बनेगा और बोले तो H3PO3 यहां भी बाहर जाएगा। ऐसे PI3 यहां भी अल्काइल आयोडाइड बन गया और साथ में जो है आपका क्या निकल गया बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट H3PO3 में, ठीक है। तो ये तो बहुत शानदार तरीका है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की, है नहीं है, मतलब अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। देखो मेरे बच्चों पेपर आने वाले हैं, जे का एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट है नहीं है, तो आप फास्ट ट्रैक मोड में देखो, 12th का बहुत जल्दी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर आप 3-4 दिन रिविजन करो, है नहीं है, तो 3-4 दिन रिविजन करके थोड़ा सा सेट सूट लगा लो, बैकर क्वेश्चन देख लो 2021 या 2022 से क्वेश्चन देख लो, 2-3 साल के क्वेश्चन देख लो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो सारे कन्वर्जन आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री के पेपर जो है ना बहुत आसान पड़ने वाला आपको वहां पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जे वाले तैयारी करो तो बोर्ड एग्जाम वाले तो लगे पड़े हैं, ठीक है ना। ये तो था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट है अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन की मेथड, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन बच गई है तो आप बड़े आसान से रिएक्शन है मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो है हमने अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं देखा था, कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन थी जैसे स्वार्ज रिएक्शन, सॉरी डार्जन रिएक्शन। अभी हम एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन से याद करो, एल्कीन में अगर हम किसी HCl HBr के रिएक्शन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल जो है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो है हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, ये आपका मार्कोनिकोफ रूल कहलाता है। हालांकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट होता है तो आपको देखना पड़ता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जहां पर बनेगा न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। एल्कीन है, जैसे HBr के रिएक्शन कराओ CCl4 के साथ,
तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होता है ब्रोमीन, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो मेरे बच्चों ये बताओ ब्रोमीन कहां पर अटैक करेगा, बीच वाले कार्बन पे, ये रहा ब्रोमीन। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही एच आई के रिएक्शन कर दो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही इसका रूल होगा कि आई वहां पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कम है, तो आई बीच वाले कार्बन में अटैक करेगा। समझ में आया नहीं आया? अगला Br2 की रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्रोमिनेशन Br2। अच्छा यहां से क्या होएगा, एक Br प्लस में कन्वर्ट होगा और एक Br माइनस में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो सब में ही बॉन्ड टूटेगा, तो एंटी एडिशन होता है। Br2 दोनों अटैक करेंगे, एक प्लस वाले पे अटैक करेगा, एक माइनस वाले पे अटैक करेगा, तो ब्रोमीन जो है एंटी एडिशन होगा यहां पे, ठीक है ना? समझ में आया? तो ब्रोमीन का एंटी एडिशन होगा और Br2 का अटैक हो जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। समझ में आया? अगले रिएक्शन चलते हैं, HBr के रिएक्शन कर दो परोक्साइड के प्रेजेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंटी मार्कोनिकोव रूल यहां पर लगता है, और ब्रोमीन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया? तो ब्रोमीन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो ब्रोमीन यहां पर अटैक कर गया। ऐसे आगे के दो रिएक्शन जो है, हो सकता आपने नहीं पढ़े होंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एग्जाम के लिए। अब देखो इसी में आप Br2 की रिएक्शन करो और टेम्परेचर बहुत कर दो 800 से 900 केल्विन पर, तो डबल बॉन्ड वाला नहीं टूटता है, वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो डबल बॉन्ड के लास्ट वाले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर है, ठीक है ना? तो इस कारण पर ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा। और अगली रिएक्शन है NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, और अलोंग विद CCl4, तो ब्रोमीन वहीं पर अटैक करता है जहां पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ के बगल वाले कार्बन में जो है ब्रोमीन का अटैक करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया? अब देखो लास्ट के तीन रिएक्शन और बच गए जो आपने देखे होंगे। पहला, अगर हम एल्केन का क्लोरीनेशन कराएं तो एल्काइल हैलाइड बनता है, साथ में सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कर दो एसीटोन के प्रेजेंस में, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, विलियमसन सिंथेसिस, फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन है। अगला सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ करो, ये रिएक्शन कहलाएगी बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन, और क्या बनेगा, एक कार्बन कम वाला एल्काइल हैलाइड बनता है और साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी एज अ गैस, और AgBr जो है एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आप जितने कार्बन का लेंगे उतने से एक कार्बन कम वाला जो है ना आपका एल्काइल हैलाइड बनता है, जो कि रिएक्शन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अगली रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF के साथ करो या H2F2 के साथ करो, यू विल गेट एल्काइल फ्लोराइड, क्या मिलेगा आपको, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, या आपके थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, ठीक है? हम इसके हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? चलिए जल्दी चलते हैं आगे को।